साइनस नाक का एक रोग है। इसमें नाक तो ब्लॉक होती ही है, साथ ही नाक में कफ आदि का बहाव ज्यादा मात्रा में होता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी घरेलू उपायों के बारे में जिनके इस्तेमाल से साइनस की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साइनस कई प्रकार के होते हैं। जुकाम, एलर्जी, प्रदूषण और नाक की हड्डी बढ़ने के कारण ये हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो सिर दर्द, आवाज में बदलाव, आंखों के ऊपर दर्द, सूंघने की शक्ति में कमजोरी, बुखार और बेचैनी, दांतों में दर्द और थकान, इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं इसके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अदरक की, जिसके अंदर जिंजरोल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। ये पाचन और सांस से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। अदरक में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं और इस मजबूती की वजह से ये आपके शरीर को साइनस के टिश्यू में सूजन का कारण बनने वाले कई किस्म के वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अदरक में पाई जाने वाली खुशबू से नाक की बलगम साफ करने में मदद मिलती है और साइनोसाइटिस से जुड़े दर्द में भी आराम मिलता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 कप पानी में एक अदरक की जड़ को स्लाइसेस करके उबालें और फिर 10 मिनट तक इसे ठंडा होने दें और फिर पिएं। तिल का तेल भी साइनसाइटिस के उपचार में इफेक्टिव है। इस परेशानी से राहत पाने के लिए आप अपनी नाक में तिल के तेल की 2-4 बूंदें डालें। इससे आपको बंद नाक को खोलने और साइनस को कम करने में मदद मिलेगी। काली मिर्च लगभग हर किचन में मौजूद होती है, तो इसे भी आप साइनस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरे सूप में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें और इसे धीरे धीरे पिएं। ऐसा हफ्ते में 2-3 बार दिन में करें। काली मिर्च खाने से साइनस की सूजन कम हो जाएगी और बलगम भी सूख जाएगा। 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से भी लाभ मिल सकता है। इसे 2-3 हफ्ते रोज सुबह पिएं। नींबू साइनस के दर्द को दूर कर सकता है और साथ ही ये नाक की नली को भी साफ करता है। तो साइनस के लिए आप इन टिप्स को जरूर अपनाएं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक ठीक ना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।